तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत सारा स्वागत है। रायबरेली में एक अनोखे से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसे हम लोग आर्ट एग्जीबिशन के नाम से जानते हैं, और बहुत ही अच्छी, वंडरफुल, अमेजिंग यहाँ पे पोर्ट्रेट पिक्चर सब चीज़ें लगाई गई हैं। सर से आप जल्दी से पूछते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, जो बच्चे आगे करना चाहते हैं और वैसे इनका बनाने का कितना टाइम होता वगैरह वगैरह सारी जानकारी। चलिए सर से पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम। हेलो, मेरा नाम आदित्य भारती है और हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में हैं और हमारा BFA फिर DAV कॉलेज कानपुर से है, BEd भी ड्राइंग से ही। हमारी खुद की पेंटिंग है, ये वॉश की गई है, वॉश पेंटिंग है। इधर ये गर्ल्स की बनी हुई है, तो आप जहाँ भी ये देखेंगे ये सारे पेंटिंग एक अलग अलग थीम की हैं, अलग प्लेटफॉर्म की हैं। कोई वर्क पेंटिंग है, कोई लैंडस्केप बनाया, कोई जैसे जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है कला में, उनको करना है तो कैसे बचपन से तैयारी करें? बचपन से तैयारी करने के लिए है कि सबसे पहले फॉर्म में है, हम स्टार्टिंग फॉर्म में ये होता है कि हमने एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हम इसे एक स्केल लेते हैं, उससे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, लेकिन हम चाहें तो बिना स्केल के भी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। लगभग आपको अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो एक दिन में कम से कम 50 या 55 ये अप आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी एक चीज़ पे। माने हमने कोई एक फ्लावर बनाया, उसी फ्लावर को बाई एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम 50 बार उसी चीज़ को बनाए हम। तो हमको हर एक जितने लेयर होंगे, जितने पेजेस होंगे, उसमें कहेंगे डिफरेंट कुछ में कुछ मिलेगा। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, हम जो चाहते हैं वो हमारा हाथ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं हाफ सर्कल बनाने के लिए, तो हमें उसके लिए कंपास की ज़रूरत ना हो, आप अपने आप इजी फॉर्म से हम बना सकें, तो फ्री हैंड से, तो उसे फ्री हैंड ड्राइंग भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट टाइम पे कि हम स्केल का यूज़ ना करें। मान लीजिए कोई फ्लावर बनाना है तो हमें बहुत सारे इरेजर की आवश्यकता ना पड़े, तो वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे मानिए किसी का 12th हो गया, उसे इस चीज़ में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए कोई कोर्स वगैरह होता है? हाँ, उसके लिए आप जैसे 12th में भी अगर UP बोर्ड में जाएंगे तो ड्राइंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो BA में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप फिर MA में जाएंगे तो MA तो रायबरेली में तो नहीं है, लेकिन कानपुर में जाएंगे तो DAV कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी है कहाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो BFA कहते हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं। फिर आप अगर MA करना चाहते हैं तो MA भी कर सकते हैं, तो ये स्कल्पचर, म्यूरल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। लैंडस्केप आप देख सकते हैं, लैंडस्केप मतलब कि हमने लैंडस्केप हिंदी में कह देंगे तो भूत जैसे चित्र, जिसमें हमको जमीन दिख रही हो, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, उसके पीछे बहुत दूर पीछे कोई झोपड़ी दिख रही है, वो लैंडस्केप हो गया। अब इसको हम अगर दिखाएंगे तो ये बेस्टेक हो गया, फिर अब यहाँ भी दिखाएंगे तो ये मंडाला आर्ट हो गई। ठीक, ये पूरा पूरा पेन का वर्क है, उल्लीफ आप पेन का वर्क है, ये पेंसिल का वर्क है, ये भी एक पेन का है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है कि ये कम से कम बनाने में कम से कम 24 घंटे के ऊपर लगा होगा, टाइम मच किया जाएगा, क्योंकि एक डिटेल इसमें दी गई है और ब्लैक पेन का ही यूज़ किया गया है। और आप देखना चाहेंगे तो ये भी एक, इसको सभी लोग जानते हैं हम कौन है, हमारे जॉनी लीवर है उनका भी, लेकिन इसमें हमने वाटर कलर करने के बाद ऊपर से हमने पेंसिल का वर्क किया गया है, पेन का, ब्लैक पेन का यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, और कला हर एक आदमी के अंदर होती है। अगर किसी को हम देखें तो एक हमने हेयर स्टाइल करने का, वो भी एक कला है, हमें कपड़े पहनने का फैशन, वो भी एक कला है, सब इसके अंदर थी आपकी।